कौन से दिमाग ऐसा था कि दो तीन चीजें एक साथ समझ नहीं आती थी। जब पहली बार स्टेडियम में गया जब ही समझ में आया कि ये एक जेवलिन है और इसको सबसे दूर थ्रो करना होता है। बस जब भी डिसाइड कर लिया जो भी हो जाए जितनी मेहनत करनी पड़े इसमें बेस्ट बनना है और सबसे दूर फेंकना है, बस बाकी देखी जाएगी। आसपास के लोग यही बोलते थे कि यार क्या डंडा ले घूम रहा है, तो मैं उनको बताता था कि भाई ये भी एक स्पोर्ट है, इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो वो यही बोलते थे कि यार क्या स्पोर्ट देखा है, कोई दूसरा कुश्ती कबड्डी या क्रिकेट कोई दूसरा स्पोर्ट खेल लेता। जब वहाँ पे इतने सोर्सेज नहीं होते थे ट्रेनिंग वगैरह के, तो हम यूट्यूब पे दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों के वीडियोज़ देखते थे। हरियाणा के एक छोटे से गाँव में बैठ के वर्ल्ड के बेस्ट जेवलिन थ्रोर्स की वीडियो देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि मार्केट में इनकी सीडी वगैरह तो मिलती नहीं थी पर यूट्यूब पे सब मिल जाता था। मैंने जब यूट्यूब पे वर्ल्ड रिकॉर्ड जेवलिन सर्च किया तो जेंज लेजनी का नाम आया सबसे ऊपर, उनके वीडियोज आए और फिर मैंने देखा कि यार क्या गजब का एथलीट है। जब उनका थ्रो देखा कि 98.48 मीटर का उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो तब से ही समझ में आ गया था कि भाई ये बेस्ट है। तो उनके वीडियोज देख देख के हम उनको फॉलो करने लगे। वो ऐसे थ्रोवर थे जो भाई काफ़ी स्मूथ रन अप पे आते थे जेवलिन लेके, और फिर क्रॉस टैप और अटैक बहुत ज़बरदस्त करते थे, ब्लॉकिंग लैग और फिर अपने आप को कंट्रोल करना, तो वो जो है एक बिल्कुल अलग चीज़ थी। बस एक रूटीन सा बन गया था कि मैं जेलेजनी और यूट्यूब सुबह 5 बजे उठ के खंडरा गांव से अपना बस पकड़नी, या बस ना मिले तो ट्रैक्टर बाइक जो भी मिले लिफ्ट लेके स्टेडियम में पहुँच जाते थे। तो फिर धीरे धीरे करके 40 से 45, फिर 50, 55, ऐसे धीरे धीरे करके फिर 85, 88 तक पहुँचे हैं। बस ये डिस्टेंस बढ़ता गया और मैं और बेस्ट करता गया और मेडल आते गए। 2021 मेरा पहला ओलंपिक्स था और मैं पूरा फोकस था उसके लिए, और बस एक ही बात दिमाग में थी कि बस जेवलिन उठाना है और सबसे दूर फेंकना है। जानते हैं बहुत अच्छा थ्रो है, लीगल थ्रो है, बेहतरीन थ्रो एक और नीरज चोपड़ा का, बाकी देखी जाएगी। The 23-year-old boy has created history. वो एक अलग ही मोमेंट था जब अपना नेशनल एंथम बज रहा था और अपना फ्लैग ऊपर जा रहा था, तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है, वो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब याद आती है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। मैं वहाँ पे ओलंपिक फाइनल में थ्रो कर रहा था और मेरे ठीक पीछे जेलेजनी बैठे हुए थे। सिल्वर और ब्रॉन्ज जिन्होंने जीता था वो उन्हीं के एथलीट थे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि भाई कहीं ना कहीं मेरी जीत में या इंडिया गोल्ड में कहीं ना कहीं उनका भी एक हाथ है।